आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार, 10 मई को होगा मतदान। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी पा सकती है बहुमत का आंकड़ा, मिल सकते हैं 103 से 118 सीटें, कांग्रेस के खाते में 82 से 97 सीटें संभव। जी न्यूज ओपिनियन पोल में पीएम मोदी फिर गेम चेंजर, 54% लोगों ने कहा कर्नाटक चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे पीएम। जी न्यूज के ओपिनियन पोल में सीएम बोम्बई जनता की पहली पसंद, 28% लोगों ने बोम्बई पर भरोसा जताया। चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, सर्वे में 12% की नजर में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का शाही परिवार सबसे आगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकियों और अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी ने लिंगायत समुदाय को लेकर कांग्रेस को घेरा, पीएम बोले कर्नाटक कांग्रेस के नेता पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं। प्रियंका गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में महंगाई और बेरोजगारी का आतंक है, कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार का आतंक। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, बोले खड़गे को हत्या की धमकी पर पीएम ने साधी चुप्पी, अपने नेताओं को कुछ नहीं बोलते पीएम मोदी। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल, कहा मणिपुर नफरत की आग में जल रहा है, पीएम और गृह मंत्री को मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं है। कर्नाटक चुनाव में एक बार फिर उठा बजरंग बली का मुद्दा, कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने हनुमान जी को आदिवासी बताया। विदेश मंत्री जयशंकर का राहुल पर हमला, कहा चीन के राजदूत से क्लास ले रहे थे राहुल, विदेश नीति कमजोर करने की ना हो कोशिश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों ने सरकार को दिया 21 मई तक का अल्टीमेटम, विनेश फोगाट बोली हमारी मांग नहीं मानी तो लेंगे बड़ा फैसला। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों ने निकाला कैंडल मार्च, पहलवानों ने की न्याय की मांग। विनेश फोगाट ने मीडिया से बात की, कहा हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, साथ देने के लिए पूरे देश का धन्यवाद। आज पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे कई खां पंचायत और किसान समर्थक नेता, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पहुंचने की उम्मीद। केरल के मलप्पुरम में नाव पलटने से 21 लोगों की मौत, कई लोग लापता हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पीएम मोदी ने हादसे में मरने वालों के परिवारों को 2,00,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अयोध्या का दौरा, संतों से करेगी मुलाकात, योगी का पिछले 5 दिनों में दूसरा अयोध्या दौरा। पीएफआई के 30 ठिकानों पर यूपी एटीएस की छापेमारी, एटीएस के मुताबिक अब तक पीएफआई के 21 सदस्यों को हिरासत में लिया गया, 70 से पूछताछ जारी। यूपी एटीएस ने पीएफआई के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया, कट्टरता फैलाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी, दोनों पर है 50,000 रुपए का इनाम। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह का बयान, कहा मणिपुर में पहले के मुताबिक शांति, कम हुई हिंसा की घटनाएं। मणिपुर के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति, रविवार को चुराचांदपुर में कर्फ्यू में दी गई 3 घंटे की ढील, हालातों पर नजर बनाए हुए है सेना। इम्फाल घाटी में हालात पर नजर बनाए हुए भारतीय सेना, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जा रही है निगरानी। मणिपुर में हिंसा के चलते 2,000 से ज्यादा लोगों ने असम के कछार जिले में ली शरण, तो वहीं करीब 200 लोगों ने मिजोरम में ली शरण। मणिपुर में हिंसा के चलते अब तक 100 से ज्यादा लोग हुए घायल, 500 से ज्यादा घरों और कई गाड़ियों को किया गया क्षतिग्रस्त। आज टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में 4 आरोपियों की पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद होगी पेशी। यूपी के अंबेडकर नगर में जनता को पैसा बांटते नजर आए निकाय चुनाव के उम्मीदवार, सामने आया मामले का वीडियो।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीच सड़क पर दो बहनों में जमकर हुई मारपीट, दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह पीटा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर बदला मौसम का मिजाज, यमुनोत्री धाम में एक बार फिर से हुई बर्फबारी। यूपी के आगरा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने दिखाई दबंगई, कार सवार को जड़ा थप्पड़। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर युवकों ने मनाया जन्मदिन, रोड पर काटा केक, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से 18-12 सिंहों को किया गया शिफ्ट, बांधवगढ़ भेजे गए 12 सिंह। मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस ने तेज आवाज करने वाली बाइकों के लाइसेंस जब्त किए, सभी लाइसेंसरों पर चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के दतिया में बस में लगी भीषण आग, समय रहते बस से बाहर निकले यात्री, पूरी तरह जलकर राख हुई बस। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, डीसीएम और पिकअप गाड़ी में जोरदार टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत। यूपी के बाराबंकी में वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में जारी है इलाज। आगरा में युवती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया सुसाइड का वीडियो, पुलिस के मुताबिक फेमस होने के लिए युवती ने बनाया फर्जी वीडियो। आगरा में कर्जदारों से परेशान होकर युवक ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में वैन में लगी भीषण आग, पूरी तरह से जलकर राख हुई वैन। यूपी के फतेहपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी, एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। बहराइच में बाइक सवार 2 लोगों को बस ने मारी टक्कर, हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत। पौड़ी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, कब्जे की जमीन पर बने निर्माण को हटाया गया। लखनऊ में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, सुरक्षित बाहर निकाले गए 4 लोग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के काशीपुर में 2 गाड़ियों में हुई टक्कर, हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बिजनौर में कार सर्विस सेंटर में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 1 महीने से जारी है बाघ का आतंक, गांव में दहशत में रहने को मजबूर है लोग। बहराइच में कार और टेम्पो में जोरदार टक्कर, हादसे में 1 महिला की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग, 6 लोग हुए घायल, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हापुड़ में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर मारा छापा, 12 पिस्टल बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में बैंक कर्मी से लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 28 अप्रैल को हुई थी लूटपाट। कासगंज में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री में मारा छापा, 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई, प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। कानपुर में लूटपाट करने वाले गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 पिस्टल समेत चोरी की बाइक बरामद। जौनपुर में 5 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, अस्पताल में जारी है बच्ची का इलाज। गाजीपुर में शख्स की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पिता ने की बेटे की गोली मारकर हत्या, फरार हुआ आरोपी, पिता जान जारी। बहराइच में शख्स पर धारदार हथियार से हमला, बुरी तरह से घायल हुआ शख्स, इलाज जारी। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने 80 लाख की लूट का किया खुलासा, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के कैथल में हथौड़े से शख्स की हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 मई को हुई थी हत्या। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री में मारा छापा, 12 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद। दिल्ली के वेलकम इलाके में लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, लूटपाट की कई घटनाओं को दे चुका है अंजाम। ग्रेटर नोएडा में कार से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार के जमुई में 170 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त, पुलिस ने 1 तस्कर को पकड़ा। बिहार के लखीसराय में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, 6,000 रुपए को लेकर हुआ था विवाद। मुजफ्फरपुर में अवैध हथियार के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक लूटपाट की योजना बना रहा था आरोपी। मुंगेर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग हुए घायल, इलाज जारी।
झारखंड के कोडरमा में शख्स ने युवक पर किया जानलेवा हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सुपौल में पुलिस ने लूटपाट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार समेत जिंदा कारतूस बरामद। वैशाली में अवैध शराब पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 9 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। पटना में 2 बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के मधुबनी में अवैध पिस्टल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजे गए 2 आरोपी। भोपाल पुलिस ने बिल्डर से फिरौती मांगने वाले आरोपी को पकड़ा। बिल्डर से मांगी थी 50 लाख की फिरौती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिस अधिकारी पर लगा नाबालिग से मारपीट का आरोप। मामले की जांच जारी। जापोरेजिया के एटॉमिक प्लांट की सैन्य गतिविधि पर IAEA ने जताई चिंता। रूस ने इलाके को खाली करने का आदेश जारी किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक परमाणु हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन ने रूस पर लगाया फास्फोरस बम से हमला करने का आरोप। पूरे मामले का वीडियो आया सामने। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में सोने की खदान में लगी भीषण आग। 27 लोगों की हुई मौत। कई लोग घायल। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों में लगी भीषण आग। आग की वजह से इमरजेंसी की घोषणा। 24,000 से ज्यादा लोगों को खाली करने पड़े अपने घर। तुर्की के हतेई प्रांत में एक साथ कई गाड़ियों की टक्कर। 12 लोगों की मौत। 31 लोग हुए घायल। दक्षिण कोरिया के दौरे पर जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। सियोल में फूमियो किशिदा को करना पड़ा विरोध का सामना। कोरियाई प्रायद्वीप पर जापानी कब्जे के लिए माफी की मांग। सूडान से लगातार पलायन कर रहे लोग। पोर्ट पर लगी लोगों की भीड़। सूडान छोड़कर सुरक्षित जगह जाने की कोशिश। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बखमुत का वीडियो। बखमुत के पश्चिमी इलाकों के हालात के बारे में दी जानकारी। यूक्रेन के जंगलों में अगले हमले की तैयारी। यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं खास ट्रेनिंग। मॉस्को में कार में बम विस्फोट। हमले में राष्ट्रवादी लेखक जाखर प्रीलेपिन घायल। कार चालक की मौत। पुलिस ने कार विस्फोट के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी यूक्रेन के लिए कर रहा था काम। तुर्की में विपक्षी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने की रैली। इस्तांबुल में दिखी लोगों की भारी भीड़। सेना दिवस में शामिल हुए ज़ेलेंस्की। सैनिकों को दी बधाई। साथ ही जवानों को सम्मानित भी किया। किंग चार्ल्स को दुनिया भर से मिल रही बधाइयां। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी दी शुभकामनाएं। पाकिस्तान ने चीन के राजनयिक को दिया भरोसा। बढ़ाई जाएगी चीनी नागरिकों की सुरक्षा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मिले चीन के विदेश मंत्री। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। इसराइल में न्यायिक व्यवस्था को लेकर फिर सड़कों पर उतरे लोग। सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। मेक्सिको में अपने परिवार के लोगों से मिले प्रवासी। अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग। रूस में विक्ट्री डे की तैयारियां तेज। मॉस्को में सैनिकों ने किया रिहर्सल। अंतरिक्ष से सामने आई पृथ्वी की नई तस्वीर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जारी की तस्वीर। दी केरल स्टोरी को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। 2 दिन में 20 करोड़ के पार हुआ मूवी का कलेक्शन। एक बार फिर रिलीज होगी सुशांत सिंह की फिल्म धोनी। फिल्म 12 मई को दोबारा होगी रिलीज। जवान के कारण बदली गई फुकरे 3 की रिलीज डेट। फिल्म 24 नवंबर को होगी रिलीज। पहले 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज डेट बदली। फिल्म 7 सितंबर को होगी रिलीज। पहले 2 जून को रिलीज होनी थी फिल्म।